हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर एंड अप। तो जनाब, आज भाभी ने हमारा नाश्ता किया है, तो बनाना अम्मी ने था, लेकिन रात को अम्मी को मोशन लग गए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो नेक्स्ट वीक की वजह से अम्मी नहीं खड़ी हो सके। और भाभी ने जो है वो माशाल्लाह से हमारे लिए ये सब बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू भाभी। भाभी कौन सी वाली बनाई है, डिब्बे वाली या खुली? ये डिब्बे वाली। हाँ, मुझे भी यही अच्छी। अच्छा जी, आज 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 मैं भाभी बहुत 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 ज्यादा मजे की बनी है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें जो हैं वो आसान करे और परेशानियाँ दूर करे। तो बहुत ज़्यादा जो है घूमने फिरने के बाद हमने जो रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया है वो भाभी के साथ आगे सेलेक्ट किया है। भाभी और छोटी सिस्टर को साथ लेकर हम आए थे कि आए जो है नेक्स्ट, ये भी हमने सुना है कि डायमंड सिटी में जो क्या नाम है इसका, किचन गार्डन, ये भी बहुत अच्छा है और इसका खाना भी बहुत अच्छा है। तो इधर का विज़िट करते हैं, अगर ये पसंद आ गया तो इसको डन कर देंगे। तो फिर हम जनाब बहुत ज़्यादा तो फिर कहीं घूमे नहीं, हम डायरेक्ट इधर आए और इधर की जो आउट डोर है ना, ये सारा बुक हो चुका था, सिर्फ इनडोर में थोड़ी सी जगह बची थी, थोड़ी सी नहीं मतलब प्रॉपर एक हॉल था, सारा कुछ अरेंजमेंट सब कुछ, लेकिन आउटडोर में नहीं था। वैसे भी मैं आउटडोर नहीं करना चाह रही थी क्योंकि नाइट का फंक्शन है और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नाइट के फंक्शन में जो है ना आउटडोर में ये होगा कि अच्छी पिक्स नहीं आएंगी, तो इसीलिए मैं इंडोर ही करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये था कि जगह सही हो, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट और बहुत ज़्यादा मैरिज हॉल जो है वो विज़िट किए, क्योंकि मैं चाहती थी कि जगह खुली हो और दूसरा खाना भी जो है ना वो खुला हो। आजकल यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जितने वो अच्छे हैं उनकी डिशेस, जो डिश होती है ना मेन, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी होती हैं। सो बेसिकली मुझे यही था कि रेस्टोरेंट अच्छा हो और जगह खुली हो और उसके बाद जो है खाना जो है वो उसमें कोई किसी किस्म का कमी ना हो, बुफे सिस्टम हो, खुला खाना हो। तो एट द एंड जहाँ जो है ना, यहाँ में जगह भी अच्छी मतलब मुझे मिल गई, मुझे पसंद आई जगह, काफ़ी अच्छी व्यू भी अच्छा था और आउटडोर, तो हमने सोचा कि यहाँ तो आउटडोर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आउटडोर भी कर लेंगे, लेकिन फिर आउटडोर में जगह ही नहीं थी तो हमने फिर इंडोर किया। और इसके बाद डिशेस वगैरह जो हैं इनके बुफे में जो था, जो जो डिशेस इनके बुफे में थी उनमें से, अगर रिप्लेसमेंट में भी कुछ डिशेस होती हैं, कुछ रिप्लेसमेंट करनी हो तो, और भी डेजर्ट्स थे उनमें से कोई दो डेजर्ट्स आप बुफे में रख सकते हैं, अब्दुलरहमान नहीं करें। तो दुआ करिएगा कि फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, जितनी हमने इसके लिए भाग दौड़ की है, अल्लाह करे कि फंक्शन इससे कहीं गुना अच्छा हो। बस यही था कि फंक्शन अच्छा हो जाए, पहला जो हमारा बेबी है उसकी पहली बर्थडे है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कमी ना रहे। बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बहुत अच्छा हो जाए और अल्लाह मेरे बेटे को हदायत वाली और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इसे दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे और अल्लाह ताला इसे दीन का दाई बनाए और हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह ताला इसको हदायत के और सीधे रास्ते पे रखे। बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा और आने वाले फंक्शन जो है ना उसे भी ज़रूर वीडियो के ज़रिए अटेंड कीजिएगा। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।